गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। तो अभी जॉब सेवा सारा कुछ सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो चलो अभी दिखाता हूँ इम्प्लीमेंट कहाँ तक पहुँच गया है। मम्मी यहाँ से भी कुछ काम में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो मम्मी, खरपतवार हटा रहे हो क्या? हैं, ये इसमें रह जाता है वो। यहाँ इतने में बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए कुछ काम है नहीं मम्मी को, तो ऐसे ही लगे हैं यहाँ पर। मम्मी वो भाजी थी तांजरिया की, नहीं सुधार ली थी कम्प्लीट। तो चलो आज दिखाता हूँ आपको कैसे बनाएंगे खरपतवार की सब्जी। खरपतवार की सब्जी भी बनती है कभी, लेकिन हम बना कर दिखाएंगे आपको। बाकी वहाँ चल रहे हैं बेल, आज बहना साथ में बैठी है इसलिए पापा को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब तो ये क्रॉस में ही बाकी रहा है, तो अभी चल जाएंगे बेल। देखिए बहना बैठी है, अच्छा मजा आ रहा है बहन है? नहीं आ रहा? बेलों की पूछ लग रही है या रस्सी, दोनों लग रहा है। तो देखो इसमें चलने जा रहा है, वापस ये दो में आएगा और फिर तो ये दो ही बचेंगे, उसके बाद ये बॉर्डर में लगाना बाकी रहेगा। आज तो सभी खेत में जोरों शोरों से काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि कल दोपहर से लेकर आज दोपहर तक बारिश आई ही नहीं। एक बारी सुबह थोड़ी सी आई थी, उसमें इतना कुछ नहीं होता, तो आज तो सभी खेतों में इम्प्लीमेंट चलने लग गया। मैं जॉब से थोड़ा लेट आया, आज थोड़ा वहाँ पर काम करना था, इसलिए तो जेब में चार्जर भी, फोन का चार्जर भी जेब में। ये देखो, क्योंकि नाइट में गया था ना इसलिए लेता गया था फोन चार्ज करने के लिए, तो चार्जर भी जेब में ही पड़ा था, सीधा खेत में चला गया था। तो दोपहर होने ही वाली है, शायद 11 बजने ही आए थे। तो अभी सब्जी बनाएंगे, तो दिखाता हूँ सब्जी किस तरीके से बना रहा है, खरपतवार की सब्जी। वैसे खरपतवार नहीं है वो, पालक कैसे आते हैं, पालक धनिया मेथी उस तरीके की भाजी है, तो उसकी सब्जी तो बना ही सकते हैं। पालक ही कैसे बनाते हैं सब्जी उसी टाइप की, लेकिन इसके पत्ते छोटे होते हैं। चलो आगे प्रोसेस दिखाता हूँ सारा कुछ। अभी इम्प्लीमेंट चाचा के खेत में छोड़ने जा रहे हैं, उसके बाद दोनों बेल यहाँ रखेंगे। चाचा का बेल यहाँ बंध जाएगा, यहाँ पर देखिए खिला ठोक दिया है देखो, तो यहाँ पर खाना डाल देंगे और पानी पिला देंगे मस्त। हमारे बेल को यहाँ बांध दिया है, देखिए चारा भी खाने लगा, और चाचा का बेल यहाँ बांध दिया,
ये भी खाने लगा दे कि सूखा चारा, लात मारेगा ना तो तो अब दोपहर के बाद चाचा के खेत में चलेंगे, हमारे घर के पीछे वाले खेत में। बहना अभी बाजरी के रोटले बनाने लग गई है। देखिए अभी दो बने हैं और दो तीन बनाएगी, उसके बाद सब्जी बनाएगी। यहाँ पर लहसुन दिख रहा है। और सब्जी किधर रखी है बहन? काट दी है ना? फ्रिज में है। ये देखिए, और नीचे है ग्वार, और ये है देखिए पालक के पत्ते, ग्रीन और रेड। ये तो लहसुन दिखा है आपको, गार्लिक। ओ पालक बोल रहा हूँ पहले बोला था ना मैंने, तांजरिया है पालक नहीं, तांजरिया। तो देखो ऊपर से ऐसे ग्रीन है, ऊपर से ऐसे ग्रीन है, और नीचे रेड टाइप का होता है, तो उस टाइप की है। तो अभी इसकी बारी आ गई है, अभी इसे देखिए और भी ज्यादा कट कर रही है। देख रहे हो गाइस, बहना का लुक सेफ जैसी लग रही है, होटल के सेफ है। तो ऑयल गरम हो रहा है अभी। बाकी यहाँ पर तीन चीजें दिख रही है बहना। क्योंकि इसमें तो हमारा पेट भी नहीं भरेगा, नहीं बहना, इतने से तो क्या होगा, इतना इतना ही आएगा। इसलिए ये देखिए, ये पोटैटो है और ये गार्लिक है ना। अभी पापा और पाला दादा बाहर बैठे, इसलिए उसकी भी आवाज आ रही होगी शायद आपको। तो अभी तेल गर्म होने देते हैं, उसके बाद तड़का लगेगी बहना। ऑयल गर्म हो चुका है, थोड़ा जोर से बोलना क्योंकि पंखे की आवाज बहुत आ रही है। तो अभी सारे मसाले डाल रहे हैं, देखिए धनिया, वो धनिया क्या, जीरा, चटनी, हल्दी और नमक वगैरह सारा कुछ डाल रहे हैं। वो तो सभी को पता ही होता है, अपने हिसाब से डालते हैं। नॉर्मल साग बनता है उसी तरीके से बनता है ये भी, नहीं बहना? तो पोटैटो डल गए, गार्लिक डाली, गार्लिक दोनों सेम ही दिखता है, थोड़ा बहुत स्मेल मस्त आ रही है बहना। अब पोटैटो डाले हैं। अभी खरपतवार की बारी आएगी। ये थी गार्लिक वाली मिर्च। ये क्यों पहले ऑफ किया, अभी स्टार्ट किया, ऐसा क्यों? ऐसा इसमें कंट्रोलिंग तो होता नहीं है, वो वाली सगड़ी में कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ लाल लाल हो चुका है, देखिए। तो वो गलने देते हैं, उसके बाद ये डलेगा तांजरिया। हम लोग खरपतवार ही बोल रहे हैं क्योंकि ये खरपतवार ही है। तो अब डल रहा है तांजरिया खरपतवार।
ये क्या पहना है बहना? एप्रिन। ये हमने तो नहीं खरीद कर दी है, देख ये गैस, ये अपने हाथों से बने हैं इसने। ये पुराना वो क्या है, कुर्ती ही है, नहीं पुरानी तुम्हारी उससे बनाया थी, ये पुरानी कुर्ती थी ना उससे बनाया है, देखो अपने हाथों से। हमारे पास सिलाई मशीन तो है, तो उसमें ऐसी मस्त चीज बना दी, देखिए इसने। तो ये अभी मिक्स कर रही है बहना, देखिए। तो अब तो इसे गर्म करना है ना, सिर्फ ये गर्म हो जाएगा उसके बाद तैयार। तो खाना रेडी है देखिए, और मम्मी ने अपने लिए वो छाछ रखी है, वो निकाल रहे थे, मक्खियां है इसलिए बांधी हुई थी, और ये है ठंडी छाछ। तो यहाँ पर देखिए मस्त सब्जी रेडी हो गई है, पोटैटो, गार्लिक और खरपतवार। तो देखिए पापा ने स्टार्ट भी कर दिया, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है पापा को, सुबह नहीं किया था नाश्ता। तो चलो बैठ जाते हैं खाना खाने, आज सोमवार है। आपको मिर्ची खाई? बहुत बढ़िया। इसमें है दही, और वो रही गार्लिक वाली चटनी, और ये है मिर्च, यहाँ पर भी मिर्च की भी चटनी है। तो खाने लग जाते हैं। मस्त है खरपतवार की सब्जी, तो खा लेते हैं। तो खाना खाके मस्त अभी सभी आराम फरमा रहे, इतनी मस्त सब्जी थी, क्योंकि साल में 2-3 बार ही खाने को मिलती है, जब मूंगफली की फसल बोते हैं तब, और फिर जीरा की फसल बोएंगे तभी कहीं पर ग्रो होगी, तो इतने टाइम में ही मिलती है, इसलिए बहुत मस्त लगती है। तो आराम कर लेते हैं, उसके बाद अब आगे का देखते हैं, या फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो दोपहर के बाद खेत में काम करने लगे थे, वो दिखा था तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।